देशभरात मध्यरात्री होणाऱ्या कृष्ण जन्माची जय्यत तयारी सुरू आहे मुंबईतल्या जुहू परिसरातील इस्कॉन मंदिरात दरवर्षी कृष्णा मष्टीला छप्पन्न भोग म्हणजे छप्पन्न पदार्थांचा नैवेद्य भगवान कृष्णाला अर्पण करण्यात येतो त्यासाठी इस्कॉन मंदिरातल्या छप्पन्न पदार्थ तयार करण्यासाठी एकशे साठ जणांची टीम आहे दोन दिवस त्यासाठी ती झटते त्यांची लगबग सुरू आहे विविध पदार्थांची रेलचेल मंदिरात बघायला मिळते आपण ही दृश्य पाहू शकतो इस्कॉन मंदिरातील हे दृश्य आहेत मुंबईतील ये जो व्यंजन मनाया गया है भगवान को छप्पन दिन में एक बार की स्टोरी है कि जो पर्वत उठाया था वृंदावन में तो उसमें मतलब सात दिन भगवान भूखे रहे थे तो वो भूखे के रहे वो सात दिन का मंडल पर छप्पन भोग हुआ था छप्पन आइटम हुआ था भगवान उस समय मतलब ये छप्पन व्यंजनों का आयोजन किया गया था एक हमारा स्थाई है जिसमें अस्सी आदमी हैं और बाहर से बुलाना पड़ता है वो अस्से आदमी है ये दो दिन में तैयार किया है क्योंकि इसको ज़्यादा रखने से इसमें खराब होने की योजना ना हो इसीलिए हम ताजे में बना के बांट देते हैं इसमें भगवान तुलसी द्वारा अर्पण होता है तुलसी जब तक डालेंगे नहीं जब तक भगवान अर्पण नहीं करते हैं तो इसमें विशेषता करके माखन मिश्री भगवान को एक ग्रुप के अंदर माखन मिश्री का महत्व है माखन मिश्री भी है